I did my part. I urge everyone to contribute from your side. I request everyone to contribute any amount to bring any possible comfort to the grieving families. Jai Hind, Vande Mataram. सब्सक्राइब कीजिए बैंकिंग गुरु जी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बैंकिंग गुरु जी चैनल के एक और फ्रेश इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं स्वप्निल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के मोबाइल में कोई ना कोई मोबाइल वॉलेट ऐप जरूर मौजूद होगा। कैशबैक, डिस्काउंट और कई सारे ऑफर्स इन वॉलेट्स पर अवेलेबल होते हैं। मगर क्या आपको पता है, इतना कैशबैक, इतने ऑफर्स देने के बावजूद भी ये सारे मोबाइल ऐप्स कैसे कमाते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, जहां पर हम देखेंगे मोबाइल वॉलेट ऐप के कमाई का जरिया। दोस्तों, सभी के मोबाइल में कोई ना कोई वॉलेट ऐप जरूर मौजूद होता है, चाहे वो पेटीएम हो, मोबीक्विक हो या फिर किसी भी बैंक का एक वॉलेट ऐप हो। इस वॉलेट ऐप्स की मदद से हम यूटिलिटी पेमेंट, रिचार्ज या फिर कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं। और आप सभी ने देखा भी होगा कि हम जब कोई भी ट्रांजैक्शंस इस वॉलेट ऐप पर करते हैं तो वहां पर हमें कोई ना कोई ऑफर या फिर कैशबैक का जरिया मौजूद होता है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सारे वॉलेट ऐप कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई कैशबैक स्कीम हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे जोड़ देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, इतने सारे स्कीम्स, इतने सारे कैशबैक देने के बावजूद भी ये मोबाइल वॉलेट ऐप प्रॉफिट में कैसे रहते हैं या फिर कमाते कैसे हैं? अगर आपको लगता है कि इतने सारे स्कीम, इतने सारे ऑफर्स और कैशबैक देने के बाद ये मोबाइल वॉलेट कंपनियां शायद घाटे में चल रही होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी वॉलेट्स ऐप की जो कंपनियां है वो बेहतर प्रॉफिट में चलती हैं और इनका कमाई का जरिया भी अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इनका कमाई का जरिया। सबसे पहला इनका कमाई का साधन है, वो है फंड ट्रांसफर के ऊपर चार्ज लगाना। जी हाँ, अगर मान लीजिए आप पेटीएम यूज करते हैं और अपने बैंक से पेटीएम वॉलेट में आपको पैसा ट्रांसफर करना है, तो वहां पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, इसलिए आप पेटीएम या फिर कोई भी ऐप बड़ी आसानी से इस्तेमाल करते हैं। और इसी ऐप से हम आगे चलकर कई सारे पेमेंट जो है वो कर देते हैं। मगर क्या आपने इसी पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक में पैसा ट्रांसफर करने का देखा है? अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर ये हमें चार्ज लगाते हैं पैसा ट्रांसफर करने का। अगर आप पेटीएम के ऊपर एज अ मर्चेंट रजिस्टर है तो आपको पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए शायद 1% चार्ज लग सकता है। मगर एज ए इंडिविजुअल यानी आप और मेरे जैसे कई सारे आम लोग जब पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उनको मैक्सिमम 3-4% तक चार्ज लगता है। और ये चार्ज नॉर्मली आरटीजीएस एनईएफटी से काफी ज्यादा होता है। यानी मान लीजिए आपको 10,000 ट्रांसफर करने हैं तो उसके 4% आपको पेटीएम को चुकाने पड़ते हैं। यानी जब ये 10,000 आप अकाउंट में ट्रांसफर करने जाते हैं तो 4% कट करके जो बैलेंस अमाउंट रह जाती है वही अमाउंट आपके बैंक के अकाउंट में चली जाती है। नॉर्मली हम एक बार वॉलेट में डाला हुआ पैसा बैंक में वापस ट्रांसफर नहीं करते, मगर हमारे ही पैसे इस वॉलेट से अपने ही बैंक अकाउंट में लेने हो तो हमें इसके ऊपर चार्ज चुकाना पड़ता है। इनका दूसरा कमाई का जरिया है ऑनलाइन मर्चेंट्स। यानी जब आप Amazon, Flipkart जैसे किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से शॉपिंग करते हैं और बाद में जब पेमेंट की बारी आती है तब वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेटीएम हो, मोबीक्विक हो, कोई भी वॉलेट ऐप हो, तब ये ऑनलाइन मर्चेंट्स इन वॉलेट कंपनियों को कुछ ना कुछ कमीशन जरूर दे देती है। तो ये भी एक जरिया है जिससे मोबाइल वॉलेट कंपनियां जो है वो अच्छा खासा कमा लेती है। तीसरा जो जरिया है वो है एड्स। यानी मोबाइल वॉलेट्स के ऊपर आने वाली एड्स इनका कमाई का सबसे बड़ा स्रोत है। मोबीक्विक, ऑक्सीजन जैसे कई सारे पेमेंट्स ऐप के ऊपर आपने दूसरी वेबसाइट्स या फिर किसी और पेमेंट ऐप का एडवर्टाइज जरूर देखा होगा। अगर उन ऐप्स को देखकर आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये भी मोबाइल वॉलेट के लिए एक कमाई का जरिया बन जाता है। चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग इनके कमाई का जरिया, अगर ये आप सुनोगे तो आप अभी से अपने किसी भी वॉलेट ऐप में 1 रुपया भी बैलेंस नहीं रखोगे। आप सभी को तो ये बात पता होगी कि हम जब किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो वहां पर हमें एनुअली या फिर क्वार्टरली 3.5% या फिर 4% जो है वो इंटरेस्ट दिया जाता है। मगर जब आप अपनी मोबाइल वॉलेट में पैसे रखते हैं तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। आपके पैसे जो आपने मोबाइल वॉलेट ऐप में पार्क करके रखे हैं वो सारे पैसे ये वॉलेट कंपनियां एस्क्रो अकाउंट में जमा करती हैं। इन मोबाइल कंपनियों का एस्क्रो अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जो पैसे उनके पास रखते हैं
उन पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, लेकिन इन मोबाइल वॉलेट्स कंपनियों को एस्क्रो अकाउंट के जरिए उनकी बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे करती है, यानी आपके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट वो कमाते हैं और आगे चलकर शायद उसी पैसों का आपको ही कैशबैक देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने जो कुछ बातें आप सभी को कही वो आप सभी को समझ में आ ही गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दीजिए और उन्हें बताइए कि कैसे ये मोबाइल वॉलेट कंपनियां कमाती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।